Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 8, that is fraction. And this chapter I've started in the previous video. I've explained you the meaning of fraction. आपको मैंने fraction का meaning बताया था पिछले video में, कुछ examples आपको दिए थे. And how do we read fractional numbers, इस पर मैंने आपको थोड़ा explain किया था. आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं हम. चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट. भले हमने उसको इस तरह से नहीं देखा है कि हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं, लेकिन हम जनरली वो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. जब हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, हमारे पास कोई एक चीज़ है और जब हम उसको शेयर करते हैं बराबर पार्ट्स में, तो वो एक तरह से हम फ्रैक्शन ही कर रहे होते हैं. डिवीजन के जैसे लगता है, पर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवीजन. इसमें जैसा मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल. कोई एक चीज़ है उसका एक हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ अ होल. और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उसी से बनता है फ्रैक्शन. ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बनता है. और फ्रैक्शन को हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं. जब हम n, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं n by d. ये लाइन होता है बाय, मतलब n के नीचे. लाइन का मतलब है उसके नीचे. जब मैं बोलती हूँ 1, ये जो लाइन खींचा और उसके नीचे लिखे मैंने 2, इसको बोलूँगी 1/2. ये बाय बोलते हैं इसको, 1/2. तो ये बाय मतलब 1 के नीचे 2. और ये जो 2 है इसका मतलब है इतने इक्वल पार्ट हुए हैं, किसी चीज़ के इतने इक्वल पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट. ठीक है, जितने पार्ट होते हैं उतने उनमें से एक. आपको मैंने ये भी बताया था कि हम फ्रैक्शनल नंबर को कैसे पढ़ते हैं. न्यूमरेटर जो होता है उसको हम कार्डिनल नंबर के फॉर्म में पढ़ते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में पढ़ते हैं. न्यूमरेटर को कार्डिनल नंबर की तरह पढ़ते हैं और डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ते हैं. आज हम कुछ शेप्स देख लेते हैं, ठीक है, और उसके हाफ को हम पहले पढ़ेंगे. चलिए, सर्कल एक सबसे कॉमन शेप है. आपने देखा होगा रोटी होती है वो सर्कल होती है, पिज़्ज़ा गोल होता है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, ये सब क्या है? सर्कुलर. गुलाब जामुन और लड्डू तो स्फीयर शेप में होगा, उसको हम सर्कल नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल बोलेंगे. जो सर्कुलर फॉर्म में कॉइन हो गया, रोटी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब सर्कुलर फॉर्म में होता है. तो अगर मैं इसके, मुझे इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, तो मैं इसको बीच से इस तरह से इसको मैं कट करूँगी, है ना. इसके टू पार्ट्स हो गए. सर्कल एक था, सपोज एक चपाती है, एक रोटी है, तो इसके मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए. अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया है, तो थोड़ा सा इधर हो गया. ठीक है, तो एक रोटी थी, उसके कितने पार्ट्स हुए? 2 पार्ट्स हुए. ये वाला पार्ट क्या है? 2 में से 1 है ना. ये वाला जो पार्ट है ये भी इन्हीं 2 पार्ट्स में से 1 है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? 1/2, या फिर मैं इसको बोलूंगी हाफ. क्या बोलूंगी इसको मैं? हाफ. 1/2 बोलूंगी, या इसको मैं बोलूंगी हाफ. इसी सर्कल को हम अगर 2 इक्वल पार्ट्स करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ये एक सर्कल के 2 पार्ट्स हो गए, ये एक पार्ट हुआ 2 में से 1/2 में से एक पार्ट ये है, 1/2 में से एक पार्ट ये है. अगर मैं सिर्फ ये पार्ट देखूं, पार्ट टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 हैं, उनमें से एक. अगर मैं सिर्फ ये पार्ट देखूं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2, उनमें से एक. इसको भी मैं पढ़ूंगी 1/2, या फिर बोलूंगी हाफ. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? सर्कल को हम ऐसे भी कट करेंगे तो भी ये 1/2 है. इसको अगर मैं इधर से भी काटूंगी तो भी ये 1/2 है. मतलब अल्टीमेटली सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. सर्कल एक है, उसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं. तो जब भी 2 पार्ट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाफ. क्या बोलते हैं? हाफ. किसी भी शेप के, किसी भी होल के, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के अगर 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उसको कहते हैं हाफ. मैंने आपको सर्कल बताया, स्क्वायर में भी हम कर सकते हैं ये.
ये स्क्वायर है, अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर के टू पार्ट्स है, उनमें से ये एक है और ये वाला भी टू में से एक है, तो ये हाफ हो गया। इसी स्क्वायर को आप चाहो तो ऐसे भी हाफ कर सकते हो, ये वाला क्या है टू में से वन है और ये भी टू में से वन है, टू पार्ट में से एक पार्ट ये है, टू पार्ट में से एक पार्ट ये है। इसी स्क्वायर को अगर हमें हाफ करना हो तो और भी तरीके हैं, हम ऐसे काटेंगे तो भी ये वाला हाफ हो गया और ये भी हाफ हुआ, मतलब टोटल टू पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट ये, टोटल टू पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट ये। स्क्वायर को और कैसे हाफ कर सकते हैं, ऐसे भी हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्या हैं, हाफ हैं, वन बाई टू हैं, मतलब टू में से एक है, टू में से वन है। इसी तरह से हम रेक्टेंगल, जो शेप आपने वन में पढ़े हैं ना, ये सारे शेप, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो ये हम कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने लिया यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लिया, इसको हाफ करना होगा तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये वाला पार्ट क्या है वन है, टू पार्ट में से वन पार्ट है, ये भी टू पार्ट है टोटल, उसमें से एक पार्ट ये है, तो ये हाफ हो गया। इसी रेक्टेंगल को अगर मुझे इक्वल पार्ट करना तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, है ना, इस रेक्टेंगल को मुझे टू इक्वल पार्ट करना है तो ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये सारे क्या है, टू इक्वल पार्ट्स हैं, एक फिगर के टू पार्ट्स हैं। यहाँ पे टू पार्ट्स दिख रहे हैं, टू है ये वाला, उसमें इन दोनों में से ये क्या है एक पार्ट है, यहाँ पे टू पार्ट्स हैं ये वाला, दोनों में से एक है, तो ये भी ये वाला भी वन बाई टू है और ये वाला भी वन बाई टू है। यहाँ पर ये वन है टू में से, ये भी वन है टू में से, ये वन है टू में से, ये भी वन है टू में से, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल के भी टू इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं ना। चलिए अब आते हैं एक और शेप देख लेते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल के टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे कर दिया, ये क्या है टू में से ये क्या है एक पार्ट है, टू में से ये क्या है एक पार्ट है। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देखो तो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो ये भी वन बाई टू है, ये भी वन बाई टू है। अगर ऐसे बनाया, ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों टू इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी शेप के जिनके टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं वही करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के टू इक्वल पार्ट्स हो जाएं या हर तरह से हो जाए। सपोज़ आई हैव दिस स्पेक्स का केस है ये, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे काटती हूँ बीच से तो इसके टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसे काटूँगी तो भी इसके टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये बॉटल है, इसको अगर मैं ऐसे काटा तो ज़रूरी नहीं कि टू इक्वल पार्ट्स हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर मैंने ऐसे काटा, ऊपर से काटा, तो इसके भी टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। पढ़ते कैसे हैं वन बाई टू को, मैंने बता दिया, वन बाई टू को हाफ बोलते हैं या फिर वन बाई टू ही बोलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा वन बाई टू का। अच्छा, किसी चीज़ के अगर थ्री इक्वल पार्ट्स हो तब क्या करेंगे, ये मैंने बनाया एक स्क्वायर, इसके मैंने थ्री इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जितने भी हम पार्ट्स करते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे, तो मैंने कितने पार्ट्स किए हैं इसके, वन टू थ्री, तो ये हो गए थ्री पार्ट्स। अगर सिर्फ ये लिया मैंने तो ये थ्री में से वन हुआ, है ना, तो इसको क्या बोलूँगी मैं, वन बाई थ्री, क्या पढ़ूँगी इसको मैं, वन बाय थ्री। अच्छा, और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने बताया था ना, इसको कार्डिनल नंबर में पढ़ेंगे, इसको ऑर्डिनल नंबर में, तो वन थ्री को ऑर्डिनल नंबर में क्या बोलते हैं, थर्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे वन थर्ड, क्या पढ़ेंगे इसे,
1/3। अच्छा, सेम यही फिगर है, ठीक है। अब इसके मैंने पार्ट्स किए, ये भी मैंने ले लिया, ये भी मैंने ले लिया, दो को मैंने कलर कर दिया। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। उसमें से कितने कलर्ड हैं? 2 हैं, है ना, 2 कलर्ड है ना। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? 2/3, या क्या बोल सकते हैं, 2 को कार्डिनल नंबर के तरह ही पढ़ेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे, लेकिन 3 को क्या बोलेंगे? 3rd, yes, 2/3, ठीक है। पूरा ले लेंगे तो 3/3 मतलब तो पूरा का पूरा ही हो गया, 3 होल हो गया फिर तो, वो समझ में आया। ये हमने 1/3 का स्क्वायर में देखा, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे तो ये स्क्वायर लगेगा। ओके, थोड़ा सा और पास कर देते हैं। सेम हम ये सर्कल के लिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने बनाया सर्कल, ऐसे एक सर्कल लिया, ये हो गए 3 पार्ट्स, 1, 2, 3, 3 पार्ट्स हो गए। इसमें से एक मैंने ले लिया तो हो गया 1/3, ठीक। इसी सर्कल का अगर मैंने 2 पार्ट ले लिए तो हो गया ये 2/3, ये सर्कल का 2/3 हो गया, ठीक। ये किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट लेंगे, 1, 2, 3, 3 पार्ट है, उसमें से एक 1/3, ये लिया 2/3, तो 2 को कलर करेंगे, 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, उसमें से 2/3। सेम हम कर सकते हैं फॉर एनी अदर फिगर, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं इसको। इस तरह से 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, एक पार्ट ले लेंगे तो 1/3, टू पार्ट्स ले लेंगे तो 2/3, ओके। पढ़ेंगे हम 2/3, तो 1/3 का कॉन्सेप्ट हो गया। 1/3 को क्या बोलेंगे? 1/3, 2/3 को 2/3, ओके। किसी भी चीज़ के हम 4 इक्वल पार्ट्स भी कर सकते हैं, वी कैन मेक 4 इक्वल पार्ट्स। ये सर्कल है, ये मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, 1, 2। अब मैंने यहाँ से इसको काट दिया, अब कितने पार्ट्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। इसमें से एक पार्ट को मैंने कलर कर दिया, 4 में से कितना कलर्ड है? 1। इसे मैं क्या पढ़ूंगी? 1/4, आई विल कॉल इट 1/4। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? 1/4, क्या पढ़ेंगे? 1/4। इसी सर्कल का अगर मैंने 2 को कलर कर दिया, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें से कलर कितना किया? 2, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? 2/4, या पढ़ेंगे हम 2 को तो 2 ही बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे? 4th, तो ये हो गया 2/4। आपने कुछ और ऑब्जर्व किया इसमें, इस फिगर में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप? क्या ऑब्जर्व करने को बोल रही हूँ? टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 कलर्ड है, मतलब आधा कलर है, आधा खाली है। अगर मैं ये लाइन मिटा देती तो आधा कलर्ड है और आधा नहीं है, मतलब 2/4 जो है वो एक्चुअली में हाफ है, 4 में से 2, 4 का आधा 2, तो 2/4 इज एक्चुअली हाफ, वो हाफ भी होता है, 2/4 इज हाफ, मतलब 4 है टोटल, 4 का आधा 2, तो ये 2/4 इज एक्चुअली हाफ, लेकिन अभी हम 4th पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2/4। अच्छा, इसी को अगर मैं ये भी कलर कर देती हूँ, चलिए अब कितना कलर हो गया, तो इसको मैं लिखूँगी,
नीचे लिख देते हैं इसको। अब ये हो गया 3/4, टोटल पार्ट्स हैं 4, उसमें से 3 कलर हैं। इसको क्या बोलेंगे? 3/4, वी विल कॉल इट 3/4। एंड लिखेंगे कैसे इसको? 3 को तो 3 ही बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल नंबर में 4 को क्या बोलते हैं? 4th, यस। तो हो गया 3/4, ठीक है, 3/4। पढ़ना आपको समझ में आया? इसी तरह के शेप्स बना बना के हम बिल्कुल इस फ्रैक्शन को क्लियर कर लेंगे। और अभी तो मैंने सिर्फ 4 पार्ट्स किए हैं, फ्रैक्शन में ज़रूर कितने भी पार्ट्स आप कर सकते हो, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट, लेकिन आपके सिलेबस में 4 पार्ट्स तक ही है। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँगी, 4-5 पार्ट्स की एग्जाम्पल आपको दे दूँगी, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स तक ही है। तो बेसिकली मैं 4 इक्वल पार्ट्स ही समझाऊंगी, 1-2 एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी जिसमें मोर देन 4 पार्ट्स होंगे, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट ना रहे कि सिर्फ 4 ही पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन में आप एक चीज़ के कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन आप जितने पार्ट्स करते जाएंगे पार्ट्स उतने छोटे छोटे होते जाएंगे, बस पार्ट्स का जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।